ये ध्यान की प्रक्रिया हमें इस शरीर और मन से परे ले जाने में सहायक होती है। कई विभिन्न रूपों में लोग ध्यान करते हैं दोस्तों, मन और शरीर से परे जाने के लिए, पर एक सुगम मार्ग है आनापानसति। श्वास पे गौर कीजिए, सांसों के साथ रहिए, सांसों को ध्यान से देखिए, उसके साथ चलने का प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मानंदम नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित 1000 Seeds of Joy बुक का हम विवेक आपस में बांट रहे हैं दोस्तों। हम दूसरे अध्याय में हैं, अनंत आत्मानुभूतियाँ। तो दोस्तों, हम अनंत आत्मानुभूतियों के बारे में जानते हुए जब आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न करते हैं कि आत्मानुभूतियाँ क्या हैं माँ, तो माँ उनका विस्तरण बड़े ही सुंदर रूप से आनंद कर्णेश जी को बता रही हैं, जिसके द्वारा हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो माँ कहती है कि ये जो आत्मानुभूतियाँ हैं वो शून्यता में से आनंद के हजार बीजों की तरह हमारे मन के स्तर में, हमारे शरीर के स्तर पे और हमारे आत्मा के स्तर पर हम उन बीजों का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी हमें माँ के शब्दों में बता रहे हैं कि आत्मानुभूतियाँ उस शून्यता में से आनंद के हजार बीजों की तरह उद्भव होती हैं, जिसका अनुभव हम अपने मन के स्तर पे, अपने शरीर के स्तर पर और अपने आत्मा के स्तर पर उसका अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने अद्भुत रूप से इसका विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर माँ ये बता रही है कि ये जो आत्मानुभूतियाँ हैं ये सिर्फ आत्मा के स्तर पर नहीं, ये हम मन के स्तर पर, हमारे शरीर के स्तर पर भी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ और भी कहते हुए माँ कहती हैं कि ये जो आत्मानुभूतियाँ हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक सीमित आत्मानुभूति और एक असीमित आत्मानुभूति। तो जिसे हम कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट दोस्तों। फाइनाइट का मतलब जिसकी सीमा होती है, जो नियमित रूप से एक सीमा के अंदर रहता है। असीमित मतलब अनंत। तो ये जो आत्मानुभूतियाँ शून्यता से हजार बीजों के, आनंद के हजार बीजों की तरह हमारी ओर बढ़ रही हैं, ये दो प्रकार के हैं, एक सीमित आत्मानुभूतियाँ और दूसरी असीमित अनंत आत्मानुभूतियाँ। तो चलिए, सीमित आत्मानुभूतियाँ क्या हैं ये समझने की कोशिश करें। तो ये जो सीमित आत्मानुभूतियाँ हैं ये शून्यता को हमारे शरीर और मन के स्तर पर सीमित रूप में दिखाता है, जबकि ये जो अनंत आत्मानुभूतियाँ हैं, जो दूसरे प्रकार की आत्मानुभूतियाँ हैं, वो ऐसी आत्मानुभूतियाँ हैं जो हमें शरीर और मन के स्तर से भी परे। तो जैसे तीन चीज़ों का हमने जिक्र किया था दोस्तों, शरीर पहले, आत्मा शरीर फिर मन। अगर मन और शरीर से परे है तो वो होगा आत्मा का स्तर। तो ये जो असीमित अनंत आत्मानुभूति है इसे हम आत्मा के स्तर पर अनुभव कर सकते हैं और इस स्तर पर हम शून्यता का अनंत रूप देख सकते हैं, आत्मा शरीर और मन। तो जब मूल चेतना अपना प्रकंपन कम करती गई और सृष्टि बनाती गई तो आत्माएं हमारे सामने आई, तो आत्मा के रूप में चेतना, फिर शरीर बने तो शरीर के रूप में चेतना, चेतना मतलब जागरूकता, अवेयरनेस। फिर और तीसरा वाला कौन सा था मैंने बताया, मन के स्तर पर चेतना। तो ये तीन आपको याद है ना। तो अब ये जो आत्मानुभूति है ये दो प्रकार की है,
सीमित आत्मानुभूति, असीमित अनंत आत्मानुभूति। तो ये जो सीमित आत्मानुभूति है, ये हमें शरीर और मन के स्तर पर हम इसका अनुभव कर सकते हैं, और इस स्तर पर ये शून्यता का सीमित रूप हमें दिखाती है। जबकि असीमित आत्मानुभूतियाँ, जो अनंत आत्मानुभूतियाँ हैं, वो हम मन और शरीर के स्तर पर नहीं देख सकते, उससे परे हमें जाना होगा। इसका मतलब आत्मा के स्तर पर ही हम ये अनंत आत्मानुभूतियाँ अनुभव कर सकते हैं, जहाँ हमें शून्यता का अनंत रूप दिखता है, उसका अनुभव कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको सीमित और असीमित आत्मानुभूतियों का विवरण आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर माँ हमें एक और शब्द बता रही हैं। माँ कहती है कि ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये ध्यान की प्रक्रिया हमें इस शरीर और मन से परे ले जाने में सहायक होती है। अगर आपको इस भौतिक रूप में रहते हुए इस भौतिक स्तर से परे जाना है, भौतिक स्तर में क्या होता है दोस्तों? भौतिक स्तर में दो चीज़ें होती हैं, एक शरीर का स्तर, दूसरा मन का स्तर। तो ये शरीर और मन के स्तर से अगर आपको परे जाना है, मतलब आत्मा के स्तर तक पहुंचना है, जहां पर अनंत आत्मानुभूतियों का अनुभव आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान की सहायता लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ध्यान की सहायता लेनी पड़ेगी, यहाँ पर यह विषय आया है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं वो करते रहिए, पर जितने भी दर्शक जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, उनके लिए ध्यान का एक सरल मार्ग यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगी। कई विभिन्न रूपों में लोग ध्यान करते हैं दोस्तों, मन और शरीर से परे जाने के लिए, पर एक सुगम मार्ग है आनापानसति। श्वास पे गौर कीजिए, सांसों के साथ रहिए, सांसों को ध्यान से देखिए, उसके साथ चलने का प्रयत्न कीजिए, और वो भी एक अद्भुत रूप से श्वास का ध्यान है। तो इस ध्यान का जब ध्यान की साधना आप करते हैं, तो कुछ नहीं, आलती मालती पालती मार के बैठ जाइए, या कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठिएगा, अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार इंटरलॉक करके गोदी में रख लीजिए, दोनों आंखें बंद कीजिएगा और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आप सांस अंदर ले रहे हो, तो देखिए कि सांस कहाँ तक जाती है, हवा कहाँ तक पहुँचती है। फिर जब आप उच्छ्वास मतलब श्वास छोड़ते हैं, तो देखिए आपके नाक के छेद में से हवा कैसे बाहर आ रही है। फिर अगला साइकिल शुरू होता है, आप सांस लेते हैं, तो फिर अपने सांसों के साथ अंदर जाइए, फिर बाहर आती हुई सांस के साथ बाहर आइए। तो दोस्तों, ये है सांस के साथ ध्यान, जिसे कहते हैं आनापानसति। आनापानसति शब्द एक पाली शब्द है। आना का मतलब है अंदर लेती हुई श्वास, उच्छ्वास, और अपाना मतलब छोड़ती हुई श्वास, निश्वास, और सती मतलब इन दोनों के साथ संबंध रखना, उच्छ्वास और निश्वास। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करते हुए, नोटिस करते हुए ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। बड़ा ही सुगम सरल मार्ग है दोस्तों। जितनी भी देर आप कर सके, नॉर्मली जितनी उम्र आपकी है उतने मिनट्स आपको करने चाहिए, पर अगर आप नहीं भी कर पाए तो कम से कम थोड़ा समय तो हर रोज करिए दोस्तों। और जब भी आप ध्यान करते हैं, जैसा कि आप सांसों के साथ रहते हैं, तो आप अपने शरीर और मन से परे चले जाते हैं दोस्तों। जैसे कि तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, मन, शरीर और आत्मा, हम इन्हें चेतना के विभिन्न स्तरों के रूप में जानते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मन, शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि तीन स्तर मतलब ये तीन अलग अलग स्तर पर हैं। तो यहाँ माँ बहुत सुंदर से हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि मन, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है। क्योंकि हम कैसे समझते हैं दोस्तों, चेतना की प्रकंपना कम होती गई तो पहले आत्मा हमारे सामने आई, फिर और प्रकंपन कम हुई तो शरीर, और शरीर की प्रकंपना और थोड़ी कम एनर्जी की प्रकंपना और थोड़ी कम हुई तो मन। तो हम इसे तीन स्टेप्स के रूप में देखते हैं। ऐसा मत देखिए, माँ कहती है ये ऐसा नहीं है, ये एक बैंड विड्थ के रूप में है, एक स्पेक्ट्रम के रूप में है। तो जो स्पेक्ट्रम या बैंड विड्थ नहीं समझते, तो दोस्तों एक ऐसा सोचिए
कि दो, ये दो पॉइंट के बीच में एक लाइन है और इस लाइन में सब अलग अलग प्रकंपन इस लाइन पर बने हुए हैं। चेतना की शुद्ध चेतना अगर इधर है तो यहाँ से प्रकंपन कम होते हुए चेतना की विभिन्न रूप हम इस लाइन पर देख पा रहे हैं। तो इसी लाइन पर आत्मा की चेतना भी है और थोड़ा आगे जाते हैं तो शरीर की चेतना भी है और थोड़ा आगे जाते हैं तो मन की चेतना भी है। तो जैसे जैसे प्रकंपन गिरता चला गया तो हमें आत्मा, शरीर और मन सब इसी लाइन पर हमें प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसा देखने की कोशिश कीजिए, तीन सीढ़ियों की तरह आप देखेंगे तो आप आत्मा, शरीर और मन का संबंध कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक में से दूसरे पर अगर जाना है तो उसे आपको इसी तरह समझना पड़ेगा कि एक लाइन पर ये ऐसे तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, और ये लाइन एकदम कंटिन्यूअस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, जैसे तीन सीढ़ियों की तरह ये नहीं है। तो इस लाइन पर जैसा हमने देखा, जब प्रकंपन बहुत कम हुआ तो वो मन के रूप में हमारे सामने आया, और जहाँ पर मन होता है दोस्तों वहाँ पर चीज़ें, क्योंकि ऊर्जा की शक्ति कम होती है वहाँ स्पष्टीकरण भी कम होता है। जहाँ ऊर्जा की प्रकंपन कम होती है वहाँ पर कांति की प्रकंपना कम होती है और वहाँ पर चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। इसीलिए जब हम मन के रूप से समझने की कोशिश करते हैं, मन के माध्यम से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो भावनाओं में फंस कर रह जाते हैं दोस्तों। यही बस अंतर है, कोई बुरा कोई अच्छी चीज़ ऐसी बात नहीं है। तो ये हुआ, हमारे एनर्जी की प्रकंपना इतनी कम हो गई तो मन के रूप में हमारे सामने आई और इसे हम कहते हैं ठोस। जैसे जैसे प्रकंपना कम होती जाती है ठोस रूप हमारे सामने आते जाता है। तो मैं आपको छोटा उदाहरण देती हूँ दोस्तों कि जैसे आपने हवा देखी, हवा भी ऊर्जा है, वो एक प्रकंपन है, उसका एक वाइब्रेशन है हवा की। अगर उस प्रकंपन को हमने कम किया तो हमें पानी के रूप में प्राप्त होगा, वही चीज़ जो हवा के रूप में है, स्टीम के रूप में है, तो भाप के रूप में है, अभी आपको वो पानी के रूप में प्रकट होगा। अगर हमने उस एनर्जी की प्रकंपना, वाइब्रेशंस को और भी थोड़ा कम करने की कोशिश की तो वो हमें ठोस रूप में, आइस के रूप में हमारे सामने, आइस क्यूब के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे हम प्रकंपना का स्तर कम करते जा रहे हैं तो हमें भाप से पानी और कम किया तो पानी से आइस ब्लॉक। तो इसका मतलब है कि ये पदार्थ घना होता चला जा रहा है, प्रकंपन के गिरते गिरते पदार्थ ठोस होता जा रहा है। तो मन का प्रकंपन बहुत ही कम है, तो आप समझ सकते हैं कि मन का कितना ठोस है दोस्तों, इतना ठोस है कि यहाँ पर कुछ भी चीज स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। माने इसे इतने अद्भुत रूप से समझाने की कोशिश की है। सो जैसा कि मन इस लाइन पर एक कोने में है, आत्मा दूसरे कोने पर है, तो आत्मा जो ऊर्जा का प्रकंपन है वो बहुत हाई है दोस्तों। तो इसलिए जब भी हम शरीर त्याग कर देते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है और जब हम शुद्ध आत्मा के रूप में कांति लोक में प्रवेश करते हैं तो जो चीज़ें हमारे पल्ले नहीं पड़ी थी भौतिक रूप में वो बड़े आसानी से समझ में आ जाती है, और उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसका यही है कि तब हम अपने मन और शरीर से परे अपने आत्मा के स्तर पर वो सारे आत्मानुभूतियों को समझने में बड़े आसानी से कायम हो जाते हैं। तो इतना इतना अद्भुत विवरण हमें दे रही है माँ और वो संबंध बता रही है आत्मा, शरीर और मन के बीच में। और ये आत्मा और मन के स्तर के बीच में, शरीर कहीं बीच में रहता है उसका प्रकंपन। तो अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि एक लाइन है, अगर मन एक कोने में है तो उसी लाइन पर आत्मा एक कोने में है और शरीर बीच में कहीं है। अब ऊर्जा के प्रकंपन के रूप में जब हम देखते हैं तो आत्मा से प्रकंपन कम करते करते शरीर, शरीर से प्रकंपन कम करते करते मन, तो मन एक तरफ और आत्मा एक तरफ। तो ये जो मन है जिसका प्रकंपन बहुत कम है और जो बहुत घना है या ठोस रूप में है, इसको कहते हैं ग्रोस, बहुत डेंस, जिस जहाँ पर हमें कुछ चीज़ क्लैरिटी से स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है, ये मन
ये मन ही है जो माया को उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं कि इस पृथ्वी की माया, ये जो इल्यूजन कहते हैं, वो मन के कारण उत्पन्न होता है। और ये माया जो मन उत्पन्न करती है वो, अब ये बहुत ही सुंदर इसका विवरण है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक लाइन देख रहे हैं, एक जगह पर आत्मा, एक स्तर पे मन और बीच में कहीं शरीर, ये मन जो भ्रम उत्पन्न करता है, जो माया उत्पन्न करता है, जो इल्यूजन उत्पन्न करता है, वो सीधा जाके आत्मा और शरीर के बीच में दीवार बन जाती है। तो ये माया की दीवार जो शरीर और आत्मा के बीच में खड़ी है, वो मन के द्वारा सृष्टित है दोस्तों। और इस माया की दीवार के कारण ये जो आत्मानुभूतियां हमारे शरीर के स्तर तक पहुंचती है, उसका हम पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। आपको मालूम होगा, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि ये जो शरीर और मन है, इसके कारण हमारे आत्मानुभूतियों पर घना बादल छा जाता है। मैंने आपको बताया था ना, इस बादल के कारण, इस घने बादल के कारण आत्मानुभूति हमें स्पष्ट रूप से उसका अनुभव हम नहीं कर पाते। अब माँ हमें और विवरण दे रही है कि ये जो मन है वो एक माया की ऐसी दीवार खड़ा कर देती है आत्मा और देह शरीर के बीच में, कि जो आत्मानुभूतियां इस दीवार के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचती है वो बहुत सीमित होती है, क्योंकि दीवार उसकी सीमा बन जाती है, उसको बंधित कर देती है। इसमें से निकलने के लिए, इस बंधन में से निकलने के लिए, इस माया के दीवार को छेदने के लिए, इस दीवार को जिससे मन ने बनाया है, जो आत्मा और शरीर के बीच में खड़ी हुई है, उसको अगर भंग करना है तो आपके लिए माँ ने बताया हुआ मार्ग, श्वासों के साथ रहिए, अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, अपने सांसों के साथ जागरूकता के साथ रहिए। जब आप अपने श्वासों से जागरूक रहते हैं, जागरूक का मतलब क्या है दोस्तों, हम रोज सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, पता नहीं कितने सौ सांस हम लोग घंटों में छोड़ते हैं, पर क्या हमें ज्ञात है कि हम ये सब कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी हम जागरूकता से नहीं जीते दोस्तों। हम एक काम करते हैं, दूसरी तरफ सोच रहती है हमारी, हमारी सोच इधर उधर हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, पर हमारे ऊपर कभी नहीं आती। इसीलिए हमारे साथ क्या हो रहा है हमें इसका कोई ज्ञात नहीं दोस्तों। तो ये जो हमारा श्वास है, जो हम लेते हैं छोड़ते हैं, जब हम इसे जागरूक रूप से इसका हम अनुभव कर पाते हैं कि हाँ मैं सांस ले रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, ये प्रक्रिया हमारे मन को हमारे शरीर में पिघला देता है। तो हमारा शरीर, हमारा मन कहाँ गया? पिघल गया। किस में पिघल गया? हमारे शरीर में पिघल गया। शरीर में ही नहीं, आत्मा में भी पिघल जाता है, पर उसका एक ही मार्ग है, श्वास पर ध्यान देना। ये सब माँ बता रही है। आप अपने सांसों के साथ रहकर अपने मन को अपने शरीर और आत्मा में पिघल सकते हो। तब माँ कहती हैं, जो हम सांस लेते हैं दोस्तों और हम सांस छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास के बीच का ये जो गैप है, उसके बीच की ये जो बिंदु है, उस बिंदु में आत्मा उस ब्रह्मानंद का अनुभव करती है दोस्तों। जितने भी स्वर्गों के बारे में आपने सुना होगा, उन सब स्वर्गों से सबसे उच्चतम स्वर्ग की सृष्टि करता है ये ब्रह्मानंद। और ऐसे लोक को पवित्र भूमि कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से इसे पवित्र भूमि के रूप से जाना जाता है। किसको दोस्तों? ब्रह्मानंद द्वारा सृष्टि की गई उच्चतम स्वर्ग लोक। अगर स्वर्ग क्या है, जहां ब्रह्मानंद प्राप्ति हो वही स्वर्ग है दोस्तों। तो ये उच्चतम लोक की तरफ आपको ले जाता है।
और ऐसे उच्चतम लोक को पवित्र भूमि कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक पवित्र भूमि, ऐसा माँ का कहना है। तो यहां से शुरू हुई सृष्टि, इस पवित्र लोक प्योर लैंड्स, और यहां पर ब्रह्मानंद का संपूर्ण रूप देख सकते हैं। और यहां से जब चेतना अपने प्रकंपन को कम करती गई, तो इस उच्चतम कोटि के स्वर्ग, ये जो पवित्र भूमि है, वहां से फिर एक और स्वर्ग, उससे थोड़ा कम प्रकंपन वाला स्वर्ग, उससे कम प्रकंपन वाला स्वर्ग, ऐसा नीचे आते हुए हमारे भौतिक लोकों की सृष्टि हुई। वो प्रकंपन धीरे धीरे गिरते हुए, तो स्वर्ग का मतलब हुआ कांति लोक, जो अदृश्य सृष्टि के बारे में हम बात करते हैं, कांति लोकों के बारे में बात करते हैं, उन सब की सृष्टि होते हुए फिर हमारे भौतिक लोक की सृष्टि हुई। तो शुरू में क्या बताया था दोस्तों, कि ब्रह्मानंद उस पवित्र भूमि जो उच्चतम स्वर्ग है, उसकी सृष्टि ब्रह्मानंद ने की। तो उस ब्रह्मानंद से प्रकंपन जब गिरता 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 भौतिक लोक की तरफ आया, ब्रह्मानंद का रूप जिसमें से आत्मानुभूतियां निकली, वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट होती हुई, उसका रूप हम कम, उसका भव्यता धीरे धीरे कम होती चली गई। तो जब तक वो भौतिक रूप में हमने सोल फीलिंग्स को, आत्मानुभूतियों को देखा, उसका रूप भिन्न है हमारे लोक तक आते आते। तो अनंत ब्रह्मानंद हमारे भौतिक लोक तक आते आते सीमित आत्मानुभूतियों के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जब ये अनंत ब्रह्मानंद सीमित आत्मानुभूतियों के रूप में हमारे सामने आके खड़ा होता है, तो उसके अलग अलग रूपों को माँ ने एक बड़ी सूची दी है। इन अनुभूतियों को जो हम भली भांति समझते हैं, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये सारी अनुभूतियां आत्मानुभूति है, जो उस अनंत ब्रह्मानंद का अब सीमित रूप जो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर अनंत रूप से आए हुए उस ब्रह्मानंद को जब वो सीमित रूप में आत्मानुभूति में के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उसके इतने उदाहरण माने दिए हैं, जैसे आनंद, प्रेम, स्वतंत्रता, शांति, विवेक, सृजनात्मकता, हंसी, खुशी, समृद्धि, करुणा, उत्सव, कृतज्ञता, समन्वयता, मौन, सौंदर्य, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, इंस्पिरेशन, स्पष्टता, क्षमागुण, दया, विश्वास, उत्साह, स्वीकृति, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिम्मत। माँ ये जो लिस्ट पढ़ रही है, उस लिस्ट का कोई अंत ही नहीं है दोस्तों। जो भी कुछ आज हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब आत्मानुभूति है, जो ब्रह्मानंद का सीमित रूप है। तो दोस्तों, आज हम ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में इन आत्मानुभूतियों के बारे में हम और भी कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।